स्टूडेंट्स, लास्ट आर्टिकल हमने क्या पढ़ा? बोर्स मॉडल ऑफ एटम की जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बाद में था बोर मॉडल ऑफ एटम। तो बोर ने क्या बताया था? बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर किसमें? सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, स्टेशनरी स्टेट में, एनर्जी लेवल में, एनर्जी स्टेट्स में घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हो, ठीक है। ये जो स्टेशनरी स्टेट है, इस स्टेशनरी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं है, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो स्टेशनरी है, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब स्थाई। तो क्या चीज स्थाई नहीं है? इलेक्ट्रॉन स्थाई नहीं है उस स्टेशनरी स्टेट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक सेल से, मतलब एक एनर्जी लेवल से, एक सर्कुलर ऑर्बिट से, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। के से एल सेल में, एल से के सेल में वापस आ सकता है। तो जो एनर्जी है ना वो स्टेशनरी है, वहां इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है किसी ऑर्बिट में, वहां जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो स्टेशनरी है। ये चीज थी आपके पास, इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, विकृत नहीं करते, जिस सेल में है उसमें तो फिक्स्ड है। हाँ, नहीं, जो बात है यहां कि मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियस है, ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां के सेल में है, ये एल है, के सेल है, के सेल से एल सेल में जा रहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम या एक्साइटेड टू एल सेल From K cell, K cell, cell में आ रहा है, excite हो रहा है, jump कर रहा है, then it absorb energy, तब वो energy को absorb करेगा, absorb energy, कूद के जा रहा है, मतलब सीढ़ी चढ़ रहा है, नीचे वाली cell से ऊपर वाली cell में जा रहा है, तो energy को absorb करेगा, energy को absorb करेगा, and when electron goes from L cell to the K cell और M cell to the L cell, M से L में जाएगा, L से K में जाएगा, it emits energy, वह energy को emit करेगा, it emits energy, वह energy को emit करेगा, energy को छोड़ देगा, ठीक है। नीचे वाली cell से ऊपर वाली cell में जाएगा तो energy को absorb करेगा, और ऊपर से नीचे वाली cell में जाएगा तो energy को emit करेगा, छोड़ देगा, eject करेगा, कम energy होगी। ये चीज है। और इसमें क्या लिखेंगे आप, उस एनर्जी के लिए क्या चीज लिखेंगे आप? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू एच न्यू होता है। और आपको यहां से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच, ई बाई एच। न्यू क्या होगा आपके पास? ई और एच। अब ई एनर्जी है और एनर्जी क्या है? दो अलग अलग स्टेशनरी स्टेट का है। तो शुरू में जो एनर्जी था वो E1 और फाइनल एनर्जी था वो E2, E2 माइनस E1 ओवर H, E2 माइनस E1 को मतलब चेंज इन एनर्जी, तो डेल E लिख सकते हैं आप, डेल E ओवर H। ये फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी होगा। आपको फ्रीक्वेंसी निकालना हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के सेल में है तो एनर्जी E1 है, L में है तो E2 है, तो E2 माइनस E1, L में था ऐसे के बजाय रहता है L में E1 और K में E2, तो आप उल्टा लिखेंगे उसे, मतलब जिसमें जा रहा है, जिसमें पहले प्रेजेंट है वो E1, जिसमें जाना है ऊपर जाना है नीचे जाना है उसका क्या होगा? E2 होगा। E2 minus E1 is E2 minus E1 is equal to क्या होगा? डेल E, मतलब चेंज इन एनर्जी, एनर्जी को अब्सॉर्ब किया या एमिट किया है, वो चीज देखी जाएगी, चेंज इन एनर्जी। ये होगा आपके पास, ये क्या निकलना आपको? फ्रीक्वेंसी। बोर मॉडल ऑफ एटम, एटम के अकॉर्डिंग है फ्रीक्वेंसी निकालना। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? E by H होगा। E क्या होगा? Difference in energy। E क्या होगा? Difference in energy, E2 minus E1। ये होगा आपके पास frequency वाला। अब आपसे कोई radius पूछे, इन जो circular orbits हैं इनके आपसे radiation पूछे, उसमें क्या भी होगा, थोड़ा सा modification भी होगा आगे, लेकिन उसके बाद next जो postulate है वो आपसे, ये four था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला, आपसे रेडिएशन, रेडिएशन पूछे यहां से,
रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस सर्कुलर ऑर्बिट की किसी आर से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगी, ए नोट एन स्क्वायर, ए नोट एन स्क्वायर। ए नोट क्या है जिसमें, ए नोट है 52.9 पिकोमीटर, एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट। हाइड्रोजन के लिए जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता 1, ठीक है, पहली सेल है उसके पास, मान ली पहली जी पहला ही सर्कुलर ऑर्बिट है, तो एन की जगह पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर। मतलब ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड है 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर। और ये बहुत जरूरी चीज है, ये क्या बहुत ही जरूरी चीज है, जरूरी चीज कैसे, इससे रिलेटेड कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे रिलेटेड कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन होता है, जेई में, जेई मेन में क्वेश्चन आता है इससे, जो ये बोर्ड लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। और एक बार क्यों बता रहा हूँ, इसी से आया था, रेडियस निकालना था आपको, वो बोलेगा सेकंड ऑर्बिट का थर्ड ऑर्बिट का, तो एन की जगह पर 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट का बोलेगा तो 1 आ जाएगा एन की जगह के ऊपर। हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए है फिलहाल तो ये, हीलियम लिथियम उनके लिए जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसके लिए जेड और लेके हम हमें, लेकिन वो आगे की बात है। तो पहले ये है हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, ये चीज हो गया। ये रेडियस, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस जो है वो ऑर्बिट की वो क्या होगी, ए नोट एन स्क्वायर। ए नोट क्या है, 52.9 पिकोमीटर पहले जो ऑर्बिट है उसका रेडियस जो है। एन एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है, ये चीज। तो ये पहले फ्रीक्वेंसी और फिर क्या आपके पास रेडियस। उसके बाद में क्या निकालना पड़े, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम आपको याद होगा, मोमेंटम आप क्या करते हैं, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, एम इनटू वी होता है, एम वी होता है, वी न्यू नहीं है, ये वी है वेलोसिटी, ये न्यू है आपके पास थोड़ा सा डेटा है, ये न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और वो है वी वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी का था मोमेंटम। हम क्या कह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो किस तरह से घूम रहा है, स्फीयर सर्कुलर पाथ में है, उसका पाथ कैसा, सर्कुलर। तो एम और वी मास इनटू वेलोसिटी तो मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम जो चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है उसके लिए मोमेंटम कैसा होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके लिए क्या होगा, उसकी रेडियस। तो एम इंटू वी इंटू आर, एम इंटू वी इंटू आर, एम वी आर, ये क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर, ये एंगुलर मोमेंटम होगा, कि कोई जो चीज किसमें सर्कुलर पाथ में घूम रही है उसका मोमेंटम निकालना है, तो आप बोलेंगे उसे एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अब कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो क्या उसके लिए रेडियस भी होगा, तो एम इंटू वी इंटू आर, ठीक है, उसकी रेडियस से मल्टीप्लिकेशन कर दे, मास वेलोसिटी और रेडियस तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, ये चीज है आपके पास। तो फ्रीक्वेंसी या रेडियस सर्कुलर ऑर्बिट का या जो एंगुलर मोमेंटम हो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूला है आपके पास, ये था। उसके बाद में आपके पास यहां कि जो स्टेशनरी स्टेट है ना, उस स्टेशनरी स्टेट के कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स है, जैसे इस तरह से विशेषताएं हैं उसकी, कि उन सर्कुलर ऑर्बिट्स को आप किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते, क्या लिखेंगे, उसकी क्या रेडियस होगी, उसकी क्या एनर्जी होगी, ये मुख्य चीज है यहाँ, उनके लिए क्या एनर्जी होगी, क्या रेडियस होगा, ठीक है, ये सब चीजें हम कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। तो देखिए ये आप 6 पोस्टलेट लिखे और उसमें ए बी सी सब हेडिंग जो है वो बना दे, ठीक है। क्या है जो सर्कुलर ऑर्बिट है, जो सर्कुलर ऑर्बिट है आपके पास उसके लिए ये न्यूक्लियस, ये के सेल, ये एन सेल, ये एम सेल, तो इनको जो स्टेशनरी स्टेट है, जो सर्कुलर ऑर्बिट है, आर रिप्रेजेंटेड बाय एन, एंड एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, और के एल एम एन जो सर्कुलर ऑर्बिट है, ये जो स्टेशनरी स्टेट है, हम इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, और एन की वैल्यू क्या होती है, 1,
थ्री फोर फाइव ऐसे, या फिर क्या भी कह सकते हैं इनको के एल एम एन, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो आपके पास आ गया, अगर कि ये पहली सेल है, के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है, या पहला सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, आगे फोर्थ सेल है, ऐसे ही वो तो जो ऑर्बिट है आपके पास, सर्कुलर ऑर्बिट सेल कह सकते हैं आप उसे चाहे तो। सर्कुलर ऑर्बिट है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, वन टू थ्री फोर से या के एल एम एन से, ऐसे चीज आपके पास, पहली चीज ये है, ये होगा आपके पास। उसके बाद में आपके पास क्या चीज है कि जो रेडियस वाली चीज है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए तो हमने कर लिया आर नॉट इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर। अब मान लीजिए कि कोई वो क्या होता, हीलियम, लिथियम, बेरियम, जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं जिसके पास, उसके लिए क्या जाता है यहां जेड एटोमिक नंबर, क्या जाता है उसके लिए एटोमिक नंबर, उसका एटोमिक नंबर भी क्या करेंगे यहां मुख्य जो है ना वो रोल जो है ना प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कौन उसका एटॉमिक नंबर। तो रेडियस के लिए क्या था फॉर्मूला आपके पास, रेडियस के लिए आपके पास फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, ये है आपके पास। अब यहां एटॉमिक नंबर जिसका टू है, थ्री है, फोर है, उसके लिए क्या रोल प्लेगा, जेड, जेड रोल प्ले करेगा। उसके लिए जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको बताऊंगा कि ना वो किस तरह से आंसर होगा, जो न्यूमेरिकल थी यहाँ मतलब सीधा आसान न्यूमेरिकल था, कोई ऐसा नहीं है कि वैल्यू जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया और यहाँ रख दो। तो आर जो है ना क्या था आपने ए नॉट एन स्क्वायर, मतलब किसी भी ऑर्बिट का, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस निकालना, तो ये फॉर्मूला है। अब उसके बाद मान लीजिए आपके पास क्या हो, आपके पास एटॉमिक नंबर मतलब हाइड्रोजन की वजह, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 के मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करोगे तो वही चीज रहेगी, लेकिन जिसके एटॉमिक नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब तो दिक्कत होगी ना। तो यहां क्या आ जाएगा और जेड स्क्वायर आ जाएगा ये आपके पास। उसके बाद में आपके पास ये इसका ए था, ये इसका बी लिख दे, और अब सी है। एनर्जी जो है आपके पास, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी जो है ई, ठीक है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, मतलब ई वन पहले ऑर्बिट के लिए, ई टू दूसरे ऑर्बिट के लिए, वो क्या होगा माइनस, ये नेगेटिव क्या होता है एनर्जी को भी देखेंगे, माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, ठीक है, क्या होगा आपके पास 1 ओवर n स्क्वायर, ये n स्क्वायर, ये भी क्या है ऑर्बिट है आपके पास, ये भी क्या आपके पास ऑर्बिट, ठीक है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट है, जो भी हो 1 ओवर n स्क्वायर। इसमें भी इसमें देखो, इसमें n स्क्वायर ऊपर है, इसमें z स्क्वायर ऊपर होगा, हाइड्रोजन से पार्टिकल के लिए तो z 1 ही होता है, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हीलियम और लिथियम बेरिलियम हो तो यहां ऊपर क्या होगा n2 में z स्क्वायर होगा, z मतलब एटॉमिक नंबर, z क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो z स्क्वायर यहां मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहां डिवाइड हो रहा है, ये चीज आपके पास याद रखें। तो ये एनर्जी होगा किसका, ऑर्बिट का, पहला ऑर्बिट होता है E1 यहां बना जाएगा, दूसरा ऑर्बिट होता है E2, तो यहां क्या जाएगा 2 आ जाएगा n की जगह के ऊपर, ये होगा आपके पास एनर्जी किसका, ऑर्बिट का, एनर्जी होगा किसका, एक ऑर्बिट का, ये है आपके पास एनर्जी, रेडियस या जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज आपके पास बोर मॉडल ऑफ एटम, ये चीजें लिखनी होगी। एक चीज आपके पास यही कि ना जो एंगुलर मोमेंटम है वो तो एमवीआर होगा, ठीक है, आपके पास एमवीआर होगा, इसको एमवीआर का फॉर्मूला क्या होगा फिर इसके अकॉर्डिंग, बोर के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम तो ठीक है, एमवीआर है मास इंटू वेलोसिटी टू रेडियस, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा एमवीआर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, एन एच ओवर 2 पाई, ठीक है, एन एच ओवर 2 पाई। ये फॉर्मूला कैसे बना ये बताएंगे वेवलेंथ के मीडियम से आपको, जब ये बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो दोनों तरह का नेचर रखते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ड्यूल नेचर ऑफ वेव, ठीक है, वो कैसा भी पार्टिकल नेचर में रखते हैं और वेव नेचर में रखते हैं, तब ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा एन एच ओवर 2 पाई कैसे बनाइए, ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले है ये चीज, तो फॉर्मूला बता दें आपको कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई।
एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, एन एच ओवर टू पाई, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एन जो है ना वो क्या आपके पास नंबर जो है, ओवर टू पाई, ये होगा फॉर्मूला किसका, एंगुलर मोमेंटम का आपके पास। ये है, ये चीज थी क्या आपके पास, बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम ये था आपके पास, ये करना आपको बोर मॉडल ऑफ एटम कंप्लीट करना है। इसमें ये जो चीजें आज जो बताई हैं ये चीजें इनसे रिलेटेड कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, एनर्जी में क्वेश्चन आया और बताऊंगा आपको, और रेडियस से रिलेटेड भी, सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस निकालनी आपको, कौन सा ऑर्बिट है उसकी रेडियस बताओ या एनर्जी बताओ, ये ऑर्बिट है इसका सेकंड ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट है और उसकी एनर्जी बताओ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जेई में 15 में 16 में 17 में, और वो मैं आपको बताऊंगा कि ना ये आया था 2015 में 2016 में 2017 में 2019 में, इसी से रिलेटेड जेई फॉर्मूला लिखे ना इनसे रिलेटेड, बोर मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड। तो ये आपको बोर मॉडल ऑफ एटम कंप्लीट करना है, अच्छे से इसको कंप्लीट करना है, देखे फॉर्मूला याद करें।